हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो DFCCIL 2023 का जो रिक्रूटमेंट है, आई होप कि इसकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पे ई बुक और PDF की बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जनरल साइंस हो गया या फिर स्टैटिक GK हो गया, ठीक है, स्टैटिक GK हो गया, इसको कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कराने के लिए या फिर इसको कहाँ से पढ़े। तो देखिए, जो जनरल साइंस है, अब इसका कोई अलग से DFCCIL का सिलेबस तो है नहीं। जो अब तक एग्ज़ाम होते आए हैं, जो 10th लेवल का पूछता है जनरल साइंस, वही सिलेबस इसका भी होगा। सो इसको पढ़ने के लिए आप सिंपली लूसेंट हो गया या फिर स्पीडी हो गया, ठीक है, स्पीडी हो गया जो कि रेलवे का आता है जनरल साइंस के लिए, आप उसको ले सकते हो। ये सब इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे अगर आपके पास मार्केट नहीं है, तो मैं तो करा रहा हूँ, ठीक है, जनरल साइंस का, आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी मैं इसका जो PDF होगा वो मैं लास्ट में पूरा जितना भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको मर्ज करके एक ही जगह पे दे दूंगा इसका PDF, ठीक है। बाकी ये मैं तब के लिए कह रहा हूँ जब आपका थ्योरी वगैरह अच्छे से तैयार है, ठीक है। सो आप ये बस केवल प्रैक्टिस और रिवीजन पर्पज से बता रहा हूँ कि आप ये बुक वगैरह ले सकते हो, वो बेटर है, ठीक है। बुक लेकर के आप इसको पढ़िए। और स्टैटिक GK की अगर हम बात करें, तो ये तो चीज़ें भाई इतना इसका सिलेबस बड़ा है कि इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। ये कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसको भी आप ऐसे ही, जो कि इसी पर्पज से ही बनाई गई होती है, जो कि स्टैटिक GK वगैरह कवर किया होता है इन्हीं सब एग्ज़ाम के लिए, तो आप उसको भी ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप बुक लेकर के पढ़ सकते हो अगर आपके पास में मार्केट है, इजली अवेलेबल है तो, राइट। और बाकी जो हमारा आज का मेन मुद्दा है कि जो ई बुक और PDF है यहाँ पे, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है, हिंदी में। वो मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे जैसा कि प्रोवाइड कर दिया था, हिंदी में ये आपको मिल चुका था। बाकी काफ़ी स्टूडेंट इसका डिमांड कर रहे थे जो केरला से थे, पश्चिम बंगाल से, कि इंग्लिश वर्जन भी इसका प्रोवाइड कर देने के लिए। तो इंग्लिश वर्जन भी इसका मेरे पास अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। सो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, नीचे टेलीग्राम लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। सो वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर कि आप इसको डाउनलोड करके PDF बना करके इसको रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट अगर लगे या फिर जो भी न लगे, लेकिन आप इसको व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके जो भी जहाँ भी मतलब अपना सेव कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक चीज़ और कि ये 2021 का, ठीक है, बुक है, इस वजह से ये अपडेटेड नहीं है। सो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अब अपडेट हो चुकी होंगी, सो उसका आप ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने करा रखा है ऑलरेडी, 200 से अधिक क्वेश्चंस मैंने करा रखा है। बाकी इसमें आपको 200 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ तो जो मैंने कराया है वहीं से होंगे, बाकी कुछ अलग भी होंगे। तो आपको इस तरीके से लगभग 300-400 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उसको कर सकते हो। और यहाँ पे CRM भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसमें CRM भी है, ठीक है। तो इसमें भी आपको 150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्लस साथ ही थ्योरी मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सो बस इतना ही इस वीडियो का बनाने का मकसद था, तो एन्जॉय कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।